जब भी गाइज आप बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम यहाँ पर ओपन करते हैं और यहाँ पर जब आप नया नया APK डाउनलोड करते हैं, जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर गाइज आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्यों आती है प्रॉब्लम, इसे कैसे फिक्स करना है बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। अगर गाइज आप स्किप करेंगे वीडियो आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आपने कहीं से थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिया है तो यहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो OBB डेटा रहता है वो यहाँ पर नहीं रहता है इसके अंदर, या फिर करप्टेड रहता है। इसी की वजह से भी यहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर आपको बोलता है डाउनलोड फेल्ड बिकॉज यू मे नॉट हैव परचेस्ड दिस ऐप, ऐसा बोलता है आपको। तो आपको इसे फिक्स करने के लिए सिंपली क्या करना है, बैक आ जाना है, बाहर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन को होल्ड करना है, फिर यहाँ पर आपको आई बटन के अंदर चल जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज में चल जाना है, इसके बाद क्लियर कैच कर लेना है, क्लियर डेटा कर लेना है, ओके कर लेना है। यहाँ पर आपको जो अंदर के जितने भी फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद अनस्टॉल कर लेना है आपको, बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम को अनस्टॉल कर लेना है। अनस्टॉल करने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है, फिर यहाँ पर आपको बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम यहाँ पर सर्च कर लेना है। इसके बाद इंस्टॉल कर लेना होगा यहाँ से। यहाँ पर आपको डेटा ले लेना है 867 MB, ओके कर लेना है, जिससे नया जो गेम है वो इंस्टॉल हो जाएगा और आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको गाइस वो डिलीट कर देना है, नया इंस्टॉल कर लेना होगा प्ले स्टोर से, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।